खबर। जनपद मुजफ्फरनगर तहसील व ब्लॉक खतौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत सराय रसूलपुर से नव निर्वाचित प्रधान मोहम्मद तैयब ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी ने की नव निर्वाचित प्रधान मोहम्मद तैयब व उनके कुछ समर्थकों और परिजनों से बात। ये बताइए जो नए प्रधान बने कौन से गाँव में रहते हैं आप? सराय रसूलपुर। अच्छा, ये बताइए जो नए प्रधान बने वो कौन है? भाई। अच्छा, तो क्या अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के प्रति? गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर सफाई वगैरह सैनिटाइजर वगैरह करा रहे हैं? हाँ बिल्कुल करा दो, फिर करा ले तो सफाई वगैरह बराबर ध्यान चल रहा है। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद। इधर देखो, कौन से गाँव में रहते हैं आप? सराय रसूलपुर। ये बताइए यहाँ पर जो प्रधान जीते हैं कौन है? तैयब। क्या अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी यहाँ पर? फिलहाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीबों की मदद कर रहे हैं? फिलहाल बढ़िया मदद हो रही है। ये बताइए सफाई वगैरह का बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल ध्यान। सैनिटाइजर भी बढ़िया है। घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है। ठीक। ये बताइए यहाँ पर गाँव में पहले जो प्रधान थे, अब जो दोबारा प्रधान चुने गए हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब कृषि। कौन से गाँव में है? सराय रसूलपुर। ये बताइए यहाँ पर आप लोगों ने सैनिटाइजर करा दिया प्रधान जी ने? जी यहाँ पे अभी लोग 7-8 दफे हो चुका है, घर घर जाके सैनिटाइजर हो चुका है। किसी की कोई दिक्कत, संक्रमित व्यक्ति, कोई दीपक, कोई सफाई वगैरह सब बहुत अच्छी तरह हो रहा है रोज दिन। यहाँ पर गरीबों को राशन वितरण मिल रहा है सही से? लॉकडाउन में भी मदद की थी जब ये प्रधान थे, उन्होंने अभी बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है, मतलब लॉकडाउन में भी अंदरूनी मदद की? जी पीछे हमें कुछ गांव के लोगों ने बताया कि घर से इन्होंने किट वितरण भी कराई है, जैसे इनका स्टोर मेडिकल भी है, घर से कुछ किटें भी प्राप्त कराई है लोगों को निःशुल्क। हाँ जी, ये उसी हिसाब से देख कर चल रहे हैं गाँव वालों की, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जहाँ पे देखते हैं दवाई की जरूरत है, कुछ भी होती है पूछवा देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामुद्दीन, ये बताइए कौन से गाँव में रहते हैं? सराय रसूलपुर। ये बताइए यहाँ पर जो नए प्रधान बने हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। क्या वो यहाँ पर तैयब जी काम करा रहे हैं? जी सफाई वगैरह सैनिटाइजर वगैरह सब करा रहे हैं। गरीबों को वितरण सही से हो रहा है? जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पूरे गांव में सफाई वगैरह अच्छे से हो रही है? हाँ जी अच्छे से हो रही है। ठीक। आपका नाम? आस मोहम्मद। ये बताइए कौन से गाँव में रहते हैं? सराय रसूलपुर। ये बताइए यहाँ पर कौन प्रधान जीते हैं? मोहम्मद तैयब। क्या वो अच्छा काम करा रहे हैं गरीबों के प्रति? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सैनिटाइजर वगैरह कराया? हाँ जी। किसी भी के गरीबों की मदद करते हैं पहले से ही? कर रहे हैं, पहले से करता रहे। ठीक। मोहम्मद जावेद। ये बताइए कौन से गाँव में रहते हैं? सराय रसूलपुर। ये बताइए यहाँ पर जो प्रधान जीते हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब कृषि। ये बताइए गरीबों के प्रति काम कर रहे हैं अच्छा? गरीबों के पहले से ही प्रति बहुत अच्छा काम करते हैं और अब भी जो हो रहा है कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर सफाई वगैरह का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? और सैनिटाइजर का बहुत अच्छा ध्यान, काफी बार करा दिया है? काफी बार करा चुके हैं और आगे भी कराते रहेंगे। ठीक। ये बताइए आप कौन से गाँव में रहते हैं? मैं सराय रसूलपुर में। ये बताइए यहाँ पर जो प्रधान बने कौन है? यहाँ के प्रधान बने हैं मोहम्मद तैयब कुरैशी। ये बताइए गरीबों के प्रति वो पहले से ही गरीबों की मदद करते हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं गांव में? उन्होंने पहले भी गरीबों की बहुत मदद की है और अब भी माशाल्लाह बहुत मदद कर रहे हैं। तो किसी तरीके यहाँ पर भेदभाव का मुद्दा है? नहीं, कोई भेदभाव का मुद्दा, सब लोगों का भाईचारा है। सब लोगों का भाईचारा है। किसी तरीके कोई दिक्कत गाँव में? कोई दिक्कत नहीं। कोई संक्रमित व्यक्ति? कोई ऐसा नहीं है संक्रमित। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब जी, ये बताइए आप कौन से गांव से विजय हुए हैं? ग्राम सराय रसूलपुर। कितनी वोटों से हुए हैं? 154। अच्छा, ये बताइए आपने सबसे पहले गांव के लिए बीमारी के चलते, कोविड के चलते, यहां पर मैंने गांव में लोगों से पूछा है सफाई और सैनिटाइजर वगैरह 2-3 बार करा दिया है, क्या किस तरीके की व्यवस्था दुरुस्त करा रखी है? कोविड के चलते हुए हमने अपने गाँव में मास्क बंटवाए हैं, सैनिटाइजर कराया है, फॉगिंग कराई है। अच्छा, ये समय समय पे करा रहे हैं और कराते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए घर घर जो आशाएं बहनें घूम रही हैं, जो कोई संक्रमित व्यक्ति होता है बुखार का, उसको आप लोग किट प्राप्त करा रहे हैं, ये बताइए कितने कितने घर घर जा रही हैं आशाएं? जी हाँ, आशाएं सब घर घर जा रही हैं और जो संक्रमित होने के शुरुआत में है उसको किट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये बताइए आपके गांव में तैयब जी, ये बताइए कोई संक्रमित व्यक्ति हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं। तो आपका बड़ा अच्छा है, इसका मतलब व्यवस्था दुरुस्त आपने यहाँ पर सराय रसूलपुर में करा रखी है, तो इसका मतलब कोई यहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है? हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं है, हल्के फुल्के जो खांसी जुकाम के हैं उनको सब ध्यान रखते हुए कवर कर लिए जाते हैं। ठीक। प्रधान जी बताइए, तैयब जी यहाँ पर आप सराय रसूलपुर के प्रधान चुने गए हैं, ये बताइए यहाँ पर
आप क्या क्या व्यवस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आएंगे तो क्या गरीबों के मकान बनवा पाएंगे यहाँ पर? जी, जो मकान पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के रुके हुए हैं उनका कार्य चालू है, और आने वाले समय में जो भी गरीब है उन सब के मकानों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। जो भी वृद्धा पेंशन है, जो भी पात्र हैं उन सबको, विधवा पेंशन, हाँ विधवा हो, जो भी विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन हो गांव में, जो भी इसके पात्र हैं उसको उसका लाभ जरूर मिले। अच्छा ही बताइए, यहाँ पर पहले राशनों में दिक्कत आती है, आप लोगों ने व्यवस्था दुरुस्त करा दी है, किसी की दिक्कत नहीं? अब राशन के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सबको राशन मिल रहा है और व्यवस्था से मिल रहा है, कोई परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक प्रधान जी, तैयब जी ये बताइए, यहाँ पर गांव वासियों का आप कैसे आभार व्यक्त करते हैं? सब लोगों ने आपको प्यार दिया है, सब लोगों ने वोट दिया है, पूरे गांव ने? मैं पूरे गांव सराय रसूलपुर के सभी जनता का आभारी हूँ, सब ने मुझे वोट दिया है, हर समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया तभी मुझे विजय प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं गाँव के लिए चुना गया। अच्छा जी, ये बताइए आप, जैसे यहाँ पर कोई भेदभाव का मुद्दा है? नहीं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव का मुद्दा नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते हैं, सब भाई भाई हैं जी, और सभी का, सभी लोगों ने आपको, सभी कौमों ने यहाँ पर वोट दिया है? हाँ जी, सभी समाज ने हमें वोट दिया है। अच्छा, आप सबका साथ सबका विकास वाला काम करेंगे? जी हाँ, सबका साथ सबका विकास, किसी तरीके लोगों का कार्य हम बाद में करेंगे, पहले हर समाज का और हर गाँव वालों का, अदर समाज का काम हम पहले करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी आपकी प्रशंसा है कि आप पहले दूसरे लोगों को पूछ रहे हैं, अपने लोगों का बाद में काम करेंगे, इसलिए कि मतलब उनको कोई फीलिंग ना हो, इसलिए? जी जी, इसलिए भी, और सभी गांव वालों को ऐसा महसूस ना हो कि भाई प्रधान जो है सभी के लिए होता है, हम सभी के लिए चुने गए हैं और सभी का हम काम करेंगे।